अगर आप पिछले कुछ सालों में एयर इंडिया में सफर अगर आपने किया है तो ये खबर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये खबर आपसे जुड़ी हुई है। इस खबर में देखिए कैसे लाखों लोगों का डेटा चोरी हो गया है। एयर इंडिया के यात्रियों का डेटा लीक, 45 लाख यात्रियों का डेटा प्रभावित, डेटा प्रोसेसर कंपनी सीता पर फोड़ा लीक का ठीकरा। एयर इंडिया पर हुए साइबर अटैक से दुनिया भर के 45 लाख यात्रियों के डेटा सुरक्षा पर सेंध लगी है। 26 अगस्त 2011 से 3 फरवरी 2021 के बीच ये साइबर अटैक हुआ, जबकि एयर इंडिया को इसकी पहली सूचना 25 फरवरी 2021 को मिली। इसमें एयर इंडिया के यात्रियों के नाम, जन्म की तारीख और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी चुराए गए थे। हालांकि एयर इंडिया के मुताबिक क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर चोरी नहीं हुआ है, क्योंकि ये एयर इंडिया के सर्वर में नहीं होता है। एयर इंडिया पैसेंजर्स डेटा को सीता PSS मैनेज करती है। ABP न्यूज के सूत्रों के मुताबिक सीता पैसेंजर सर्विस सिस्टम ब्रीच ने कई एयरलाइंस के यात्री डेटा को भी प्रभावित किया है, जिनमें एयर न्यूजीलैंड के साथ साथ मलेशियन और थाई एयरलाइंस भी शामिल हैं। एयर इंडिया के पैसेंजर के डेटा पर हुआ ये साइबर अटैक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि हजारों नहीं कुल 45 लाख लोगों के डेटा पर ये साइबर अटैक हुआ है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।